हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है वो 220 वोल्ट के सोल्डिंग आयरन को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने का आपको तरीका दिखाते हैं कि किस तरह आसानी से आप घर के अंदर 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाला कहिया बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये ख़राब जो है ये सोल्डिंग आयरन लिया है, इसको हमने खोल लिया है। ये हमने इसका सोल्डिंग हीटर एलिमेंट जो है हम निकाल लिया, हीटिंग एलिमेंट इसको निकाल के हम इसके ऊपर से जो इसके ऊपर जो हीटिंग कॉइल लगा हुआ है उसको और माइका पेपर इसको अलग कर लेंगे और उसकी कोर को बिल्कुल अलग निकाल लेंगे। इसी को हम इस्तेमाल करेंगे, इसी पेपर को माइका पेपर को हम यूज़ करेंगे। ये हम इसका देखिए हीटिंग एलिमेंट इसका हम निकाल रहे हैं, हीटिंग वायर। तो ये सारा वायर हमने इसका रिमूव कर दिया है, माइका ये इसका वायर है। तो ये हमने इसका जितना भी इसमें हीटिंग कॉइल लगा था वो हमने उतार दिया है इसका, और ये हमने इसका अलग कर लिया है। ये माइका पेपर है हमारे पास, इसका ये अलग रख लिया है। इसके जो है तमाम पार्ट्स हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने एक नॉर्मल जो हीटर का जो वायर होता है, हीटिंग एलिमेंट जो होता है हीटर का, वो हमने लिया है। 12 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, 12 वोल्ट की बैटरी पे हम इसको हीट करके साइज़ से किस साइज़ के ऊपर हमारे पास हीटिंग बेहतरीन आ रही है। तो लाइट मैंने बंद कर दी है, ये देख लीजिए बिल्कुल एकदम सुर्ख होना चाहिए ये, ताकि आपका जो बिट है वो सही से गर्म हो सके और आपकी सोल्डिंग अच्छी हो सके। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हीट हो रहा है, ये रेड हो रहा है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, कट करके हम इसको रख लेंगे। तो ये हम इतना सही यूज़ करेंगे इसके लिए। तो आगे अब देखिए जो हमने जो कोर जो निकाली थी उसके ऊपर हमने माइका पेपर लगाया है। माइका पेपर लगा के तो उसको हम ऊपर से एक तरफ से जो वायर निकला था हमारा सबसे ऊपर वाला, हमने उसमें जो है इसको लपेट दिया ताकि ये अपनी जगह पे माइका पेपर रुक जाए। हीटिंग एलिमेंट हीटिंग वायर को जो हमारे पास सीट वायर था उसको हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल। इसको बिल्कुल सीधा करने के बाद जहाँ पर हमने आगे वायर लपेटा है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, उसके साथ ट्यूज़ करेंगे इसको ताकि ये उसके साथ कनेक्शन बना ले। तो उसके साथ हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको लपेट देंगे। तो एहतियात ये करनी है आपने कि इसमें थोड़ा सा फासला रखेंगे हम इसमें हीटिंग वायर में, ताकि आपस के अंदर कहीं से कनेक्ट ना हो, तो थोड़ा सा फासला रख के। और ये नीचे उस आयरन के जो हमारे पास जो ट्यूब है उस आयरन ट्यूब पे भी टच ना हो, तो नीचे जो है जो हम माइका पेपर लगाएंगे वो बड़े अच्छे तरीके से लगाएंगे। ये सारा कुछ हमने उसी का इस्तेमाल किया है जो हमने निकाला था इसमें से। तो नीचे वाला माइका पेपर हमने जो है लगा दिया था, बाकी हमने ऊपर से हीट वायर जो है हीटर वायर जो है लगा दिया ऊपर से। हम दोबारा से इसको देखिए इस तरीके से लगा देंगे। ऊपर वाला वायर हम इसके ऊपर से लेंगे और नीचे वाला वायर हम उसी तरीके से बाहर निकाल देंगे। तो ये ऊपर वाला वायर हमने भी ऊपर किया हुआ है इसके, और ये हम इसको पूरी तरीके से इस माइका पेपर से इसको कवर करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर हम दोबारा से वायर लपेट के इसको माइका पेपर को इस पर एडजस्ट कर देंगे, फिक्स कर देंगे इसको। ये हमारे पास हमने वायर ये ऊपर से लिया है जो कि हम माइका पेपर के ऊपर से लेंगे। इसके बाद हम एक और माइका पेपर इसके ऊपर लगाएंगे ताकि वायर जो है आपस में कनेक्ट ना हो। ये हम चेक करें कि किसी तरीके से कंटिन्यूटी बन रही है। हमने इसको
इस तरीके से बना दिया है, और इसके बाद फिर हम इसको इसमें हम हीटिंग ट्यूब डाल देंगे। इसमें ये ट्यूब है, ये हमने लगा दी है। उसके बाद हम इसको वायर को थोड़ा लंबा कर लेंगे। वायर को हम थोड़ा लंबा करके हीट सिंक हम लगा देंगे। इस पर हीट सिंक लगा के हम इसको दोनों वायर लंबे करेंगे। तो वायर को हमें थोड़ा सा लेंथ बढ़ाने के लिए हमने इसको लेंथ बढ़ाई है, और उसके बाद हमने हीट सिंक इस पर भी लगा देनी है। ताकि जॉइंट हमारा खुले ना, जॉइंट अच्छी तरीके से करेंगे ताकि हमारे पास स्पार्क ना हो किसी भी किस्म का। बहुत अच्छा जो है ये आयरन बना है। रिज़ल्ट आप बना के ख़ुद देखिएगा कि किस तरीके से आ रहा है, बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहा है इसका। तो ये हमने इस पर भी श्रिंक लगा दिया। तो हीट करके हम बिठा देंगे सही से। ये हमने बिठा दिया इसको, ये फिक्स हो गया हमारे पास। ये एलिमेंट हमारा रेडी है बिल्कुल 12 वोल्ट के लिए, बिल्कुल तैयार है। इसको हम जो है वो आयरन के ट्यूब में डाल देंगे। जहाँ पर ये लगा हुआ था उसी जगह पर हम एहतियात के साथ बिठाएंगे, ताकि हमारा जो माइका पेपर है वो ना कहीं से खराब हो, और ये हमारा जो एलिमेंट है हीटिंग कॉइल जो है वो इस ट्यूब के साथ टच ना हो। यहाँ पर हम इसको बराबर करेंगे, इसकी टिप लगाएंगे, इसको जो है वो नट से टाइट कर देंगे। उसके बाद हमने काई को खोल के उसके दोनों वायरों में ये दोनों वायर लगा देने। इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, ये ख्याल रखिएगा, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा। ये आप दोनों तरफ से किसी तरफ लगा सकते हैं। वायरों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे हम इसके साथ में। बाहर वाले पोर्शन पे हम टेप से इसको कवर करेंगे वायर को। हीटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसको टेस्ट करके। हम टेपिंग कर रहे हैं इसमें जॉइंट पे। तो हमारा आयरन पैक हो गया है। बैटरी पे हम इसको लगाते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके ऊपर हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये मुश्किल से 1 मिनट लेगा फुल हीट होने में, तकरीबन 1 मिनट लगता है इसको। तो ये थोड़ा मैंने फास्ट किया इसको वीडियो को। हीटिंग बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छा हीटअप हो रहा है, और सोल्डिंग भी बहुत अच्छी देगा। इसमें आप जो टिप यूज़ करेंगे वो कॉपर की यूज़ करें, और मैंने इसमें 25 वाट का जो है वो टिप यूज़ की है। 25 वाट का एलिमेंट था वो, 25 वाट की ट्यूब में बैटरी यूज़ की है मैंने। हीट होना शुरू हो गया है, इसमें से धुआँ निकल रहा है, स्मोक आ रहा है इसमें से, देखिए। देखिए हीट होना शुरू हो गया है ये। जब इसको टेस्ट करते हैं आप,
ये देखिए सोल्डिंग वायर किस तरीके से ये बेहतरीन तरीके से पिघल रहा है। यहाँ हम इसको ज़ीरो वोल्ट के ऊपर हम इसको टेस्ट करते हैं। ये वेरो वोल्ट है, ये देखिए आप सोल्डिंग देखिए इसकी बेहतरीन जो है वो सोल्डिंग कर रहा है ये बेहतरीन किस्म की। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी के काम आ जाए। पैराबोल्ट का बेहतरीन जो है ना वो सोल्डिंग आयरन बिल्कुल फ्री समझ लेंगे तैयार हो रहा है। ये हमने ओल्ड जितना भी सामान था पुराना सामान इस्तेमाल किया, देख लीजिए अब सोल्डिंग इसकी। ये बहुत हैवी वायर है, इसमें इसके साथ हम इसको सोल्ड कर रहे हैं। देखिए बेहतरीन किस्म की सोल्डिंग कर रहा है ये देखिए।